केसरिया रंग रहे तन पे सजा, रहे तन पे सजा। दस धर्मों की गंगा में डूब जाए आत्मा, दस धर्मों की गंगा में डूब जाए आत्मा। लहराए जैन शासन की ध्वजा, शासन की ध्वजा। दस धर्मों की गंगा में डूब जाए आत्मा, दस धर्मों की गंगा में डूब जाए आत्मा। दृढ़ श्रद्धा से मिले साधना की शक्ति, श्रावक जन करे निष्ठा से प्रभु भक्ति। दृढ़ श्रद्धा से मिले साधना की शक्ति, श्रावक जन करे निष्ठा से प्रभु भक्ति। पूजन पाठ करे पुण्य कमाए, समय प्रभु की शरण में बिताए, समय प्रभु की शरण में। छल और कपट को त्यागे, मन में क्षमा जगाए, जीवन को त्याग तप और संयममयी बनाए। सरलता रहे आचरण में सदा, यथाशक्ति पाले व्रत एकासना, व्रत एकासना। दस धर्मों की गंगा में डूब जाए आत्मा, दस धर्मों की गंगा में डूब जाए आत्मा। दस धर्मों की ज्योत जल उठे जो मन में, परिवर्तन हो सार्थक जीवन में। दस धर्मों की ज्योत जल उठे जो मन में, परिवर्तन हो सार्थक जीवन में। चंचल मन पे जरा पाके नियंत्रण, जिनु आज्ञा अनुसार जिए जीवन, जिनु आज्ञा अनुसार जिए जीवन। नर तन मिला जो हमको, ना व्यर्थ हम गवाए, आत्मा बने परमात्मा ऐसा जतन लगाए। बार बार मिले ऐसा अवसर कहाँ, झूम रहा भक्ति में सारा जहाँ, आज सारा जहाँ। दस धर्मों की गंगा में डूब जाए आत्मा, दस धर्मों की गंगा में डूब जाए आत्मा। केसरिया रंग रहे तन पर सजा, सबके तन पर सजा। दस धर्मों की गंगा में डूब जाए आत्मा, दस धर्मों की गंगा में डूब जाए आत्मा। ओ, दस धर्मों की गंगा में डूब जाए आत्मा। जय जिनेंद्र, मैं संदीप जैन, इंदिरापुरम अहिंसा खंड 2 जैन समाज से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हम लोगों के लिए बहुत ही परम हर्ष का विषय है कि पहली बार आचार्य निर्भय सागर संघ के एक नहीं दो दो महाराज जी और जो भी नव दीक्षित महाराज जी हैं, जिनकी अभी पिछले महीने ही दीक्षा हुई है, उनके हमारे को उनके सानिध्य में पहली बार पर्युषण पर्व मनाने का सौभाग्य मिला है। तो ऐसे मुनिराज मुनि श्री मेघदत्त सागर जी, मुनि श्री पदमदत्त सागर जी हमारे बीच में हैं। हम सारे इंदिरापुरम वासी मुनि श्री का सानिध्य का लाभ ले रहे हैं, आहार का लाभ ले रहे हैं, पूजा का लाभ ले रहे हैं, मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। दिन में तत्वार सूत की क्लास चल रही है, जो कि बहुत अच्छा ज्ञान सभी लोगों को मिल रहा है। तो मैं मुनि संघ से, मुनिषी मेघदत्त सागर जी से, मुनिषी पदमदत्त सागर जी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया वो दो शब्द हमारे लिए और संपूर्ण जैन समाज के लिए कहें अपनी मधुर वाणी से। मुनिषी मेघदत्त सागर जी नमोस्तु। सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य गुरुवर निर्भय सागर जी के आशीर्वाद से
हम यहाँ इंदिरापुरम अहिंसा खंड में आए हुए हैं और यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के भक्तों ने किसी दूसरों से न करवा कर स्वयं आहारचर्या की व्यवस्था की है और यहाँ का मंदिर भी बहुत अच्छा बहुत सुंदर है और यहाँ पर उपस्थिति भी बहुत अच्छी है और हम अपनी तरफ से कोशिश प्रयास कर रहे हैं सभी भक्तों को अच्छे से अच्छा कुछ गुण और संदेश देने की, जिसमें भी हमारे सहस्त्र नाम विधान का भी आयोजन हो रहा है और शाम को भक्तांबर विधान भी होता है जिसमें हमारे प्रदीप भैया पीयूष भी आए हैं, उनकी उपस्थिति भी हमारे लिए बहुत अच्छी लग रही है। तो सभी अनंत गुणों को प्राप्त करें और अपनी भक्ति और अपनी श्रद्धा के साथ में 10 दिन पर्यवेक्षण पर्व का पूरा लाभ लें और संयम तप और ज्ञान को प्राप्त कर अपने गुणों में वृद्धि करें, ऐसा ही हमें हम सबको आशीर्वाद। महानुभावों की श्रद्धालुओं की जो भावना से वो होती है और वो स्वभावना के साथ में धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हैं और उन अनुष्ठानों में अपनी यथाशक्ति दान आदि देकर के भक्ति आराधना करते हैं और वर्तमान में पर्यूषण पर्व चल रहा है और वो पर्यूषण पर्व 28 अतः 19 सितंबर से और 28 सितंबर चलेगा। इन 10 दिनों में जो बुराई के 10 सिर युवा करते हैं, 4 कसाएँ ईर्ष्या मद प्रमाद बैर हठबाधिता, ये बुराई के 10 सिर हैं और इन बुराइयों के 10 इन प्रवृत्तियों को छालन करने का और अपने आत्म परिणाम करने का ये अवसर है और यहाँ पर भक्तों के भावना के अनुसार हम लोग आचार्य निर्वसार महाराज जो ग्रेटर नोएडा फैक्टर 50 में चातुर्मास कर रहे हैं और यहाँ के भक्तों की भावना को देखते हुए हम मनराज दो मनराज श्री मेघदत्त सागर जी और मैं स्वयं यहाँ पर आए हैं। यहाँ कार्यक्रम बहुत अच्छे हो रहे हैं और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के श्रद्धालु यहाँ के श्रावक अपने घरों में हम लोगों की आहार व्यवस्था कर रहे हैं, उनके अंतरंग में ये भाव हैं कि मनराज के आहार से हमारा घर पवित्र हो जाता है और हमारे घर में एक प्रेम का उल्लास होता है और पवित्र भोजन बनता है। इसी प्रकार के भावना यहाँ के रखते हुए यथासमय ये अपने धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। रात को भी प्रोग्राम होता है, दिन में मनराजों के प्रवचन और पीयूष भैया द्वारा प्रदीप पीयूष भैया द्वारा यानी तत्वार्थ सूत्र का वाचन किया जाता है और अनेक श्रावक श्रावकाएँ उस स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं और मैं ये शुभकामना देता हूँ समाज को इंदिरापुरम को कि यहाँ अच्छी भावना के साथ में और अच्छे भावों के साथ में इसी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम करते रहें, ये मेरा आशीर्वाद है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। 10 लक्षण महापर्व आया, आत्मशुद्धि का अवसर है लाया। सजन लगे घर द्वार सारे जैनों के, भक्त रंगे हैं रंग में पर्यूषण के लाए। भक्ति का त्योहार 10 दिन भादों के, दस लक्षण महापर्व।
है जीवन को अनुशासित करना। इसको हुआ मत समझना संयम को। कल हमने श्रावक के षट आवश्यक बताए थे, उसमें एक संयम धर्म भी था, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं उठाया कि हम संयम लेने के लिए तैयार हैं। तो हे श्रावको, आप कैसे श्रावक हैं ये आप स्वयं जान लेना। बोले सभी मंत्रणा क्या कह रहे मंत्रणा। देखिए महिलाएं ज्यादा है लेकिन इनकी आवाज कम है और पुरुष कम है लेकिन इनकी आवाज बहुत तेज आ रही है। एक बार मंत्रणा मंत्रणा उम्मीद है कि सभी ने आज का शाम एंजॉय की होगी। हम सभी ऋषभ देव जैन समिति अहिंसाखंड इंदिरापुरम के सदस्य हैं और दिगंबर जैन मंदिर के अंदर में इंदिरापुरम अहिंसाखंड के अंदर में 10 लक्षण पर्व जिसको पर्युषण पर्व भी कहा जाता है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व इस वर्ष 19 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर तक हो रहा है और हमारे अहिंसाखंड का बहुत सौभाग्य है कि हमारे यहाँ पर दो मुनि श्री पद्मदत्त सागर जी महाराज श्री मेघदत्त सागर जी महाराज का यहाँ आगमन हुआ है। इससे पूरे ही समाज के अंदर में बहुत ही हर्षोल्लास है, सभी लोग बहुत सुखी खुश हैं। साथ में हमको सहस्रनाम विधान करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है जो कि प्रदीप जैन भैया पीयूष जी हमको यहाँ से करा रहे हैं
और दिन के अंदर में सात सभा, शाम को प्रवचन, सुबह में प्रवचन, ये सुबह प्रातः 6 बजे से शुरू होकर के शाम को 9 बजे तक, 9:30 बजे तक का कार्यक्रम पूरे 10 दिन के लिए बहुत ही अच्छे सुचारू रूप से चल रहा है। आज के दिन रविवार के दिन में मंदिर के अंदर में 31 भगवानों का अभिषेक और शांति धारा की गई, जिसको सभी भक्तों ने मिलकर के बड़े ही उत्साह के साथ में किया। उसके 50 सहस्त्रनाम का विधान, 10 लक्षण पूजा आदि की गई। दिन के अंदर में सात सभा हुई और शाम को भक्ति में संगीत श्री अजीत भैया जी संगीतकार, उनके सानिध्य में, उनके प्रेरणा से यहाँ पर संपन्न हुआ। और अभी अभी ये प्रोग्राम इतने उत्सव हुआ कि सभी लोग जाने का मन ही नहीं होता था, लेकिन चूँकि सुबह फिर हमें अपने कार्यक्रम में पूजा पाठ में लगना है, इसलिए जो है ना चाहते हुए भी इस प्रोग्राम को हमें समाप्त करना पड़ा। हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि नमोकार चैनल, जो कि जैन धर्म के प्रचार प्रसार के अंदर में पूरी तरह से लगा हुआ है, सभी तरह सभी माध्यम से पूरे विश्व के अंदर में जैन धर्म की पताका को फहराया जा रहा है, आज चाहे नमोकार चैनल के माध्यम से अहिंसाखंड मंदिर के प्रोग्राम भी इसके अंदर में रिकॉर्ड किए गए और प्रसारित किए गए हैं। हम नमोकार चैनल का जैन धर्म के प्रसार के लिए और अहिंसाखंड में अपना समय देने के लिए बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं।